हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 9 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज न्यूज आई है वो आई है इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में, तो कंटेक्स्ट हमने देख लेते हैं। इसके साथ आगे जो पॉइंट है वो भी हम एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या इंटरनेशनल वुमेन डे है और इस पर क्या इस बार की थीम वगैरह है, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन है वो बेसिकली पूछ सकती है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे है वो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में इस बार जो कल मनाया गया था इसके बारे में जो न्यूज आई है, तो इसका एम क्या है? देखो, इंटरनेशनल वुमेन डे का एम ये है कि जो वुमेन है ना उनकी जो जो उपलब्धियां हैं या उनके साथ जो जो बाधाएं हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है ना, उनके ऊपर बाकी सभी लोगों का ध्यान है वो केंद्रित करना। मतलब वुमेन की उपलब्धियों और बाधाओं पर ध्यान है वो फोकस करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन डे है वो मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? यह मेनली मनाया जाता है 1909 से। सोशलिस्ट पार्टी थी अमेरिका की, उसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और वुमेन की, उसके बाद ही इसका प्रस्ताव आया था और तब से मनाया जाता है। और एक चीज ये ध्यान रखनी है इसमें कि 1975 में यूएन ने ऑफिशियली जो इसकी डेट है 8 मार्च वो अनाउंस कर दी थी कि भाई 8 मार्च को हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे वो मनाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम क्या है उस पर देख लेते हैं। जो यूपीएससी की फेवरेट क्वेश्चन की टैगलाइन होती है, थीम इस बार की वो यह है प्रेस फॉर प्रोग्रेस। प्रेस फॉर प्रोग्रेस का मतलब यह है कि वुमेन की जो वॉइस है ना उसको ऊपर उठाना, मतलब वुमेन की जो आवाज़ है, महिलाओं की जो आवाज़ है उसको आगे लेके जाना, काफ़ी ऊपर उठाना है ताकि पूरी सोसाइटी में या पूरे समाज में वुमेन्स की भी वैल्यू है वो बनी रहे, उसके लिए इस बार की थीम रखी गई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है नो इंडिया प्रोग्राम के बारे में, KIP। तो देख लेते हैं KIP के बारे में, क्या है KIP और क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। KIP है वो एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाई एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसका यह प्रोग्राम है। अब इसमें होगा क्या, इस प्रोग्राम में ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो इंडियन ओरिजिन के जो यूथ हैं जिनकी एज है 18 से 30 साल, मतलब 18 से 30 साल जो इंडियन ओरिजिन के यूथ हैं उनको एक्चुअली इंडिया इन्वाइट किया जाएगा और उनको इंडिया के बारे में अवेयर करवाया जाएगा, इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन हेरिटेज के साथ ही इसी के साथ जो इंडियन की जो फैमिली वेलफेयर, मतलब इंडिया की जो सिचुएशन है, इंडिया के जो हालात हैं, इंडिया किस तरीके से इंडिया के लोग जीते हैं, उन सब के बारे में अवेयर करवाने के लिए इसका प्रोग्राम का आयोजन है वो किया जाता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। इसका बेसिकली क्राइटेरिया यही होता है कि जो यूथ इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब जो इंडिया के पैदा हुए हैं, उसके बाद वो बाहर कंट्रीज में रहने लग गए हैं, फॉरेन कंट्रीज में, चाहे स्टडीज हो या फिर चाहे और काम, उनको गवर्नमेंट इंडिया इन्वाइट करेगी, फिर उनको मतलब इंडिया के बारे में अवेयर करवाने के लिए एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है नेशनल ई मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में। तो देखते हैं कि क्या है नेशनल ई मोबिलिटी प्रोग्राम और क्या इस आर्टिकल में है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका एम क्या है। नेशनल ई मोबिलिटी जो प्रोग्राम है इसका एम ये रखा गया है कि जो इंडिया में जो वाहन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब व्हीकल जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है ना, उनको एक्चुअली ई मोबिलिटी, मतलब एक तरीके से उनको इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता है उसकी तरफ प्रदर्शित करना, और जो इको सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बनाने का माहौल है वो तैयार करना, इसके साथ ही उनको जैसे सुटेबल जो चीज़ें चाहिए होती हैं। देखो, अभी हमारे देश में गवर्नमेंट ने ये रखा है कि भाई 2030 तक पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो करने हैं। तो पूरे देश में 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल करने हैं, तो ये तो नहीं कि इंडिया कोई छोटी सी कंट्री है, तो गवर्नमेंट को काफ़ी सारे स्टेप उठाने होंगे। बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर वो चेंज करना होगा, इसी के साथ जो पुराने डीजल व्हीकल हैं उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस करने होंगे। तो मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो इसीलिए गवर्नमेंट एक इकोसिस्टम वो तैयार करने के लिए, प्रमोट करने के लिए माहौल बना रही है, इन्वायरमेंट बना रही है ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो प्रोड्यूस किए जा सकें। इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनको प्रमोट करेगी, उनको जो बेसिक फैसिलिटी जिनकी डिमांड है, जिन जिन चीज़ों की जरूरत है, रॉ मटेरियल वगैरह की, वो प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनीज है ना उनको मतलब तरीके बूस्ट करेगी, उनको चार्ज देगी, हाँ भाई आप इस तरीके से काम करो। इसके साथ ही जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी गवर्नमेंट है वो एक तरीके से चार्जअप करेगी। तो ये इसमें काम है वो किया जाएगा। अभी किसके द्वारा ये प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यह प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो किया जा रहा है EESL क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है वो इस माहौल को या इस प्रोग्राम को तैयार कर रही है, इंप्लीमेंट है वो कर रही है। अभी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने एक कदम ये उठाया है कि उसने 10,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड है वो रखी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनियों के सामने कि भाई आप 10,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो बना के हमें दो ताकि हम इंडियन इकोनॉमी में उनको इंट्रोड्यूस करें और उससे हमें काफ़ी सारा फायदा होगा। मतलब एक तरीके से EESL है वो कंपनियों के लिए डिमांड भी बना रही है, सारे काम है वो कर रही है ताकि इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी अच्छा फायदा हो। क्योंकि देखो, अगर हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलते हैं
उसका काफी अच्छा फायदा एक तो ये होगा, क्लीन इन्वायरमेंट होगा, जैसे दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है उससे बहुत बड़ी निजात हमें मिलेगी। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी पे फोकस होगा, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है, जो डीजल वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है, उस पर लोगों की निर्भरता है वो कम हो जाएगी। इसी के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कि टेक्नोलॉजी और रिसर्च है वो भी आगे बढ़ेगी, जिससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्किल है वो मिलेगी। तो आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब बहुत फायदा होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि EESL के बारे में, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है वो क्या है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है वो एक जॉइंट वेंचर, मतलब जॉइंट उपक्रम है, किस किस का है, वो है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके साथ ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके साथ ही रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, और इसके साथ पावर ग्रिड, और है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री कौन सी है, वो है पावर मिनिस्ट्री। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जॉइंट उपक्रम है NTPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इसी के साथ ही पावर ग्रिड। तो इन चारों का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है, ज्वाइंट उपक्रम है, वो चलाया गया है। मिनिस्ट्री कौन सी है वो हमें देखने की, पावर मिनिस्ट्री के द्वारा है। तो इसका EESL का मेन काम देखो ये होता है कि भाई एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी में दक्षता वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एनर्जी ज़्यादा लॉस हो, जैसे LED लाइट वगैरह को प्रमोट करना। और इसी के द्वारा एक दूसरा प्रोग्राम भी चलाया गया था EESL को, मतलब EESL जो बॉडी है काफ़ी सारे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करती है। तो एक प्रोग्राम वो है स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम के बारे में, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, एक न्यूज़ में भी था दो तीन दिन से आजकल। तो EESL के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया गया है स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम, यह 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित इसका उद्घाटन वो किया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी है कि जो स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम है इंडिया का, यह विश्व का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आता है कि स्ट्रीट लाइटिंग इसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई जो नॉर्मल स्ट्रीट लाइट होता है, जो फास्ट पोर्स लैंप यूज की जाती है ना, जो बल्ब यूज किए जाते हैं, उनकी जगह पे LED बल्ब का यूज किया जा सके, ताकि एनर्जी है वो बचाई जा सके और लाइट की क्वालिटी, मतलब जो फ्लैश है वो भी अच्छा लोगों को अवेलेबल होगा, जिससे फायदा होगा कि एनर्जी बचेगी, तो हमारे देश का इन्वायरमेंट है उस पर भी वो फोकस बढ़ेगा लोगों को। इसी के साथ ही बहुत सारे फायदे होने वाले हैं इन्वायरमेंट के लिए, लेके बाद देख लो एनर्जी सिक्योरिटी में भी फायदा होगा। तो आम के आम गुठलियों के दाम यहाँ पे में फायदा होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जो स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की है राजस्थान ने, तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले इसकी शुरुआत है वो की गई है, राजस्थान ने इसे सबसे पहले इंप्लीमेंट है वो किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो IACCI के बारे में, तो इसके बारे में देख लें। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में न्यूज आई है, तो इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट है उनको हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो हम कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने अभी इंडिया की दो तीन एयरलाइंस हैं, नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, उन एयरलाइंस को जैसे स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज है, इन दो तीन कंपनियों को क्या है, फाइन लगाया है। फाइन क्यों लगाया है? फाइन इसलिए लगाया है क्योंकि जो दो तीन एयरलाइंस कंपनी थी ना, ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट माहौल नहीं रखी थी, मतलब ये अपनी मनमानी कर रही थी कहीं ना कहीं, और जो कॉम्पिटिशन होना चाहिए ना पूरे सिविल एविएशन प्रोग्राम में, उसमें कहीं ना कहीं टांग है वो अड़ा रही थी इसके लिए। अब हम CCI के बारे में डिस्कस करते हैं। CCI के जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक क्वेश्चन जुडिशियरी स्टेचुरी बॉडी है, जो कि 2003 में बनाया गया था, और मेनली कौन सा एक्ट है वो है कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। अब इसका काम क्या है, नाम से पता चला कि कंपटीशन कमीशन, मतलब कंपटीशन या प्रतियोगिता के माहौल को बनाने के लिए। तो ये हमारे देश में कहीं भी, चाहे ट्रेड का क्षेत्र हो, चाहे फिर मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन को बनाने के लिए काम वो करती है। मतलब अगर कोई भी कंपनी अपनी मोनोपोली या मनमानी करने की कोशिश करती है, तो उसके ऊपर लगाम लगाती है रूल रेगुलेशन के द्वारा, उसकी मनमानी को रोक। इसके साथ ही कस्टमर के इंटरेस्ट है उसको भी ध्यान रखनी है, और कंपनी के जो इंटरेस्ट है उसको भी ध्यान रखती है। मतलब एक तरीके से जो ट्रांसपेरेंट, जो फेयर माहौल होना चाहिए कंपटीशन के लिए, उस माहौल को यह तैयार करती है, और इसी के साथ जो ट्रेड फ्रीडम है उसको भी इंश्योर करती है, ताकि ट्रेड फ्रीडम से भी किसी को नुकसान हो, ऐसा नहीं हो कि कोई भी कंपनी वगैरह है जो अपनी मर्जी करे। तो उसके लिए इस बॉडी का निर्माण है वो किया गया था। तो ये थी हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया होगा इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में, जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। 1975 में UNS की ऑफिशियल डेट क्लियर की थी, वैसे 1909 में अमेरिका में एक सोशलिस्ट पार्टी थी उसके द्वारा इसकी स्टार्ट हो की गई थी। थीम इस बार की है वो है प्रेस फॉर प्रोग्रेस, जिसका मतलब है वुमेन की वॉइस है उसको आगे लेके हमें जाना है मेनली, ये इसकी इस बार थीम रही है। अगला आर्टिकल था होता नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया प्रोग्राम है वो एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का फ्लेक्सी प्रोग्राम है, जिसका मेन मोटो ये है कि भाई जो इंडियन ओरिजिन के जो यूथ हैं 18 से 38 साल के, जो कि बाहर रह रहे हैं, उनको एक्चुअली इंडिया के कल्चर और इंडिया के जो इंडिया का इन्वायरमेंट या इंडिया के बारे में अवेयर करवाने के लिए प्रोग्राम है वो चलाया गया है। इसके बाद में हमने नेशनल ई मोबिलिटी प्रोग्राम देखा, जो कि हमने मेन मोटो उसका देखा कि भाई इसका मेन मोटो है वो ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी एक तरीके से हमारे देश में जो डिमांड है उसको सुनिश्चित करना, ताकि
जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनको ऐसा है कि हाँ भी मैं हाँ हमारे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो बिकेंगे, इसलिए वो ढंग से काम कर सकें। इसके साथ ही इसकी इम्प्लीमेंट किया गया वो क्या गया, EESL के द्वारा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट उपक्रम है NTPC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रॉनिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसके साथ पावर ग्रिड का मिनिस्ट्री हमने डिस्कस की, पावर मिनिस्ट्री का एक उपक्रम है मेनली वैसे। इसके साथ ही हमने स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम डिस्कस किया जो कि 2015 में विश्व का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम था। इसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई जो नॉर्मल लाइट यूज की जाती है ना, जो नॉर्मल बल्ब वगैरह, इनकी जगह LED बल्ब का यूज किया जा सके ताकि एनर्जी को बचाया भी जा सके। राजस्थान ने इसे सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था। इसके बाद हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया जो कि क्वेसिट जुडिशियरी बॉडी है, मतलब अर्ध न्यायिक बॉडी है जिसका मेन काम यह है कि कंपटीशन को बनाए रखना, तो इसको लेके न्यूज थी। अब हम देख लेते हैं कल के जो हमारी डिस्कशन थी या जो क्लास डिस्कशन है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन वो पूछ रहा हूँ, वो बताऊँ सुखद यात्रा ऐप के बारे में कि जो सुखद यात्रा ऐप है क्या वो मेनली बनाया गया था HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, और सुखद यात्रा एप्लीकेशन है वो केवल जो नेशनल हाईवे है उन्हीं के ऊपर फोकस करेगा। तो ये आपको बताना है कि केवल दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं क्योंकि सुखद यात्रा एप्लीकेशन है वो बनाया गया है मेनली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि सुखद यात्रा जो एप्लीकेशन है उसमें मेनली नेशनल हाईवे को फोकस नहीं किया जाएगा, जो बाकी और हाईवे हैं स्टेट हाईवे उनके में जो इंडिया की रोड्स हैं उनको ही इसमें फोकस है वो किया जाएगा। इसके साथ ही देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्चुअली SI ब्लेड जो कैंपेन चला गया है उसके बारे में। इसके बारे में आपको बताना कि यह क्या प्रोग्राम है, क्या है वुमेन के जो हरासमेंट होता है उसको रोकने के लिए, या फिर जो रेप के केसेस बढ़ रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, या फिर यह प्रोग्राम है वो मेनली जो मेनस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन के थ्रू चला गया है, तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से सही है या फिर नन ऑफ दिस। देखो इन चारों में से जो ऑप्शन है वो तीसरा सही है जो है मेनस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन जो कि एक्चुअली इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन ही चलाया गया था, इसके बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी हम यहाँ पे एक बार करके थोड़े देख लेते हैं ताकि हमें एग्जाम में अगर आ जाए UPSC पूछ सकती है। तो देखो जो ये मेनली SI ब्लेड जो कैंपेन चलाया गया था इसमें इस पे फोकस किया गया कि जो वुमेन का जो मतलब मंथली जो पीरियड्स वगैरह आते हैं उनमें हाइजीन को मैनेजमेंट करना है, इसके साथ ही उनको स्कूल में वॉश फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करनी है, इसके साथ ही उनको जो वाटर है सोप वगैरह की फैसिलिटी वो होनी चाहिए, इसके साथ ही उनको सैनिटरी टिश्यूज वगैरह वो सब प्रोवाइड करवाने के लिए ही मतलब उनकी क्लीन सफाई वगैरह के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है, कैंपेन को चलाया गया है। तो ये थी हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।